आप देख रहे हैं न्यूज टैकर। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आरोग्यश्री स्कीम में कोरोना वायरस के इलाज को शामिल करने का मतालिबा करते हुए रियासत भर में सत्याग्रह मुनक़द किया। टीपीसीसी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अहम रहनुमाओं के साथ हैदराबाद के गांधी भवन में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस का इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया जाना चाहिए और इसके ज़रिए मुफ्त इलाज फराहम किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुल्लाभट्टी विक्रमरका ने कहा गया था कि कोविड का इलाज आरोग्यश्री में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस ऐलान को 9 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने कहा कि कोविड से मुतासर ख़ानदानों को इलाज की सहूलत के साथ साथ माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए। इस मौके पर अंजन कुमार यादव, मधु यक्षी, मोहम्मद अली शबीर, श्रवण कुमार, रामुलु नायक और दीगर मौजूद थे। एक कोविड-19 और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कॉस्टली है। आरोग्यश्री स्कीम में इसको कोविड को ऐड करके BPL फैमिलीज को, जो गरीब फैमिलीज के, उनके लिए कोविड ट्रीटमेंट और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट फ्री में करना, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमने सत्याग्रह आज प्रोग्राम किया है गांधी भवन में और पूरे स्टेट में सारे DCC ऑफिस में। थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी दीक्षा कर रही है। दीक्षा का मकसद ये है कि जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं, गरीबी रेखा से जो लोग कम हैं, वाइट राशन कार्ड के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को फ्री इलाज किया जाए और सब प्राइवेट दवाखानों में भी उनको राजीव आरोग्य श्री में शामिल करके उनका फ्री इलाज किया जाए। उसके साथ साथ ब्लैक फंगस जो आया है उसको भी सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में भी फ्री इलाज किया जाए, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को सबके लिए मरकजी हुकूमती इंजेक्शन देकर तमाम लोगों को टीका लगाने का इंतज़ाम करें। ये 3 डिमांड कांग्रेस पार्टी रख रही है, इसको फौरी कबूल करना चाहिए। मोदी जी जब कुछ नहीं था तो कहे कि कोरोना का मैं चैंपियन हूँ, ये मैं विश्व गुरु हूँ, दुनिया के अंदर कोरोना को ख़त्म कराने वाला मुल्क है, हम इंजेक्शन बनाने वाला मुल्क है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में हुए, लाशें जलाने का इंतज़ाम नहीं है, लोग गंगा में डाल दिए, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है सबको वैक्सीनेशन होना, फ्री होना और ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होना।